শিলিগুড়ির ভাড়াবাড়ির নেপালী বস্তি এলাকা থেকে উদ্ধার হলো ক্যাঙ্গারু। স্থানীয় বাসিন্দারা ক্যাঙ্গারু দেখে খবর দেয় বন দপ্তরকে। ये कंगारू किस्म का अभी देखने में लग रहा है, ये कंगारू ही है। जहाँ तक हम लोगों को पता है कि कंगारू ऑस्ट्रेलिया में होता है, लेकिन हम भाड़ावाड़ी के निवासी बैकुंठपुर जंगल नेपाली बस्ती के हर घर मिलके कुत्तों से इस कंगारू का भी बचा के घर पे रखा है, ताकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को इसको हम हैंडओवर करें और हर इंसान को फॉरेस्ट के प्रति, अपने देश के प्रति, प्रकृति के प्रति ऐसा ही जागरूक होना चाहिए। पहले की तरह ये मार मार नहीं करके ये बचाना चाहिए। मैं अपने साथियों का नाम लेना चाहूंगा जो यहाँ पे खड़े हैं, मुन्ना, दीपक, आसपास के सभी लोग जो इस कंगारू को बचाने की चेष्टा कर रहे हैं और कुत्तों से बचा के यहाँ पे रखा गया। ये अलग बात है कि ये कंगारू जहाँ तक देखा गया ऑस्ट्रेलिया में ही होता है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को फिलहाल अभी फोन कर दिया गया है और शायद थोड़े ही देर में आ जाएंगे। मैं आभारी क्योंकि मैं भी यहाँ का निवासी हूँ, भाड़ावाड़ी नेपाली बस्ती का बैकुंठपुर फॉरेस्ट रेंज के अंदर में आता है, कि हम लोग इतने जागरूक है। आप सबसे निवेदन है कि आप लोग भी इस तरह जागरूक बनिए। कोई भी जानवर अगर आए तो उसके प्रति अपना प्यार रखिए, वो भी हमारे ही भाई बंधु है इस प्रकृति के। আমরা তো ছিলাম স্যার ইয়েতে গেট বাজারে, আমাদের নাকা চলছিল স্যার, আমাদের গাড়ি নিয়ে হবে 4 কিলোমিটার, আমরা কিলোমিটার 3 হবে। খবর ছিল যে কোন ওয়ার্ল্ড পার্টিকেল পাচার হবে, তো আমরা রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছি, তো ক্যাঙ্গারু তো আমাদের এখানকার না, তো আমাদের কাছে আজকে গোপন সূত্রে খবর ছিল যে কিছু ওয়াইল্ড লাইফ পার্টিকেলস পাচার হবে গজলডোবা রোড দিয়ে। তো আমরা সেই মতো আমরা আজকে সবাই স্টাফরা মিলে গজলডোবায় প্যাট্রোলিং করছিলাম, ঠিক ক্যানেলের মাঝামাঝি যে রাস্তাটা আছে সেখানে হঠাৎ করে আমাদের কাছে খবর আসে দুটো ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা রাস্তার মধ্যে দেখা যাচ্ছে। আমরা ঢিলছোড়া দূরত্বেই ছিলাম, আমরা সাথে সাথে ওখানে পৌঁছে গিয়ে এবং পৌঁছে গিয়ে দুটো ক্যাঙ্গারুকে আমরা রেস্কিউ করি এবং সেটাকে এখন আমরা বেঙ্গল সাফারিতে নিয়ে যাচ্ছি এবং বাদবাকি আমাদের জঙ্গলে তল্লাশি চলছে এবং তার সাথে ক্যাঙ্গারুটা আসলো কোথার থেকে এবং কি ব্যাপার আছে সেটা ইয়ে করা হচ্ছে, তদন্ত করা হচ্ছে।